अनैतिक देह व्यापार का मामला है, होटल में संचालित हो रहा था, जिसमें 8 लड़की पकड़ी गई है और 9 लड़के हैं, जिसमें 5 ग्राहक हैं और 4 होटल के स्टाफ हैं। पटना में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस की छापेमारी में 8 लड़कियां और 9 मर्द गिरफ्तार किए गए हैं। राजधानी के एग्जीबिशन रोड के होटल दयाल पैलेस में पुलिस ने छापेमारी की, तब पूरी पोल खुल गई। पता चला कि होटल दयाल में काफ़ी दिनों से सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था। पकड़ी गई 8 लड़कियों में 6 बंगाल की, 1 यूपी और 1 पटना की रहने वाली है। पटना पुलिस की जांच में पता चला है कि लड़कियों की तस्वीर के अनुसार ग्राहकों से रेट तय होता था। जैसी उगती वैसा ही रेट फिक्स था। ग्राहक की डिमांड अगर कम उम्र की लड़की होती थी तो उसी हिसाब से उससे पैसे लिए जाते थे। रजनीश नाम का दलाल लड़कियों को होटल तक पहुंचाता था, साथ ही शराब उपलब्ध कराता था। कोई कस्टमर जब आता था तब उसे व्हाट्सएप पर लड़कियों की तस्वीर दिखाई जाती थी, उसी तस्वीर के अनुरूप दाम तय होता था। एक कस्टमर से होटल में एक दिन के लिए 8,000 रुपये लिए जाते थे, जिनमें 5,000 होटल वाला रखता था और 3,000 लड़कियों को मिलती थी। बताया जा रहा है कि होटल दयाल पैलेस में पहले भी सेक्स रैकेट का खुलासा हो चुका है। रंजीत जी, आप लोगों ने एक दिन पहले क्या पूरा मामला है, क्या हो रहा था, कितनी गिरफ्तारियां? अनैतिक देह व्यापार का मामला है, होटल में संचालित हो रहा था, जिसमें 8 लड़की पकड़ी गई है और 9 लड़के हैं, जिसमें 5 ग्राहक हैं और 4 होटल के स्टाफ हैं। ये ज़्यादातर है बंगाल की लड़की, बंगाल साइड की लड़की हैं और लड़के बिहार।